स्वागत है आपका सुनो समाचार में। इकमा विधायक श्रीकांत यादव ने जनता बाजार में रूपश्री स्टूडियो का शुभ उद्घाटन फीता काटकर किया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने स्टूडियो का मुआयना किया। स्टूडियो के उपस्कर, आधुनिक मशीन, रूपरेखा तथा काफी भव्य तरीके से सजावट देखकर उन्होंने कहा कि स्थानीय कला संस्कृति के विकास में रूपश्री स्टूडियो की अहम भूमिका रहेगी तथा स्थानीय कलाकारों को यह स्टूडियो प्रोत्साहित भी करता रहेगा। उद्घाटन के मौके पर प्रखंड प्रमुख मनोज शाह, पूर्व प्रमुख रामाशीष यादव, पूर्व मुखिया मदन राय, दशरथ राय, राजद के प्रखंड अध्यक्ष अजीत कुशवाहा आदि मौजूद रहे। आगे विधायक जी को सुने तथा सुनो समाचार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। तो सुनो समाचार के विधायक है और आपके क्षेत्र में इतना अच्छा स्टूडियो पिछले कई सालों से चल रहा है और नए रूप में आप देखने को मिल रहा है, पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहिएगा रूप से स्टूडियो? विधानसभा जनता बाजार के लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि आज के समय में जो जनता बाजार में रूपश्री स्टूडियो का आज उद्घाटन हुआ है, यहाँ पर लोग आके अपना अपना जो जो जिसका जैसा सोच है उस हिसाब से अपना यहाँ फोटो वोटो बनवा सकते हैं। इसलिए जनता से अनुरोध यहाँ आए और अपना अपना फोटो बनवाएं और लोगों को भी बताएं कि रूपश्री जनता बाजार में खुला है, इतना अच्छा स्टूडियो खुला है कि सब लोग आके यहाँ खुश हो जाए। अंदर आए तो कैसा लगा आपको जुल्लू का? बहुत खुश हुए हैं आज के, मैंने ये समझिए कलकत्ता हम रहते हैं, सब लोग आपको जानते भी हैं, कलकत्ता में इस तरह का स्टूडियो कम मिलता है। अरे सलवार भी तो करो।